नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्वालॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आपका इस सत्वालॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछला वीडियो आपको बहुत पसंद आया, उसका हम लोग को दिख ही रहा है चैनल पर कि कितने लोग उसको देख रहे हैं और उससे कुछ समझ भी रहे हैं और पूरा का पूरा वीडियो लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट हमारा व्यूअरशिप इन टर्म्स ऑफ मिनट्स पर वीडियो इज बिकम द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। और थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड द केयर दैट यू गिव टू ऑल ऑफ अस। तो आज हम लोग कुसुमला जी के साथ जुड़ेंगे और कुछ और सीखेंगे उसी टॉपिक पे। विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। नमस्कार। नमस्कार आदित्य जी, सत्वालॉजी को धन्यवाद। और व्यूअर्स ने तो इस बार कमाल कर दिया, आप बता रहे हैं 2-3 दिन में 1 लाख ऊपर हो गया। बिल्कुल। और तो मैं जो तथ्य बताने जा रही हूँ शायद लोग पहली बार सुनेंगे आज जो बताने जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास तो कोई क्वेश्चंस है नहीं, और लेकिन मैं बड़ा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सब दर्शकों को, लेकिन एक थोड़ा जिज्ञासा से आती है वो इसराइल के ऊपर। इसराइल एक 1948 में एक इस्टैब्लिश किया गया वहां पे, लेकिन इसराइल का इतिहास तो बहुत पुराना, नाम बहुत पुराना है, नाम है उनके हिसाब से है, हमारे हिसाब से नहीं है क्योंकि हमारे हिसाब से मदर देश है। लेकिन इस पे थोड़ा आगे जाइए, कैसे इनके गले में फंसी इसराइल की हड्डी? जी जी, तो मैंने पिछली बार कहा था कि मैं कुछ पुस्तकें दिखाऊंगी, तो पहले मैं पुस्तकें दिखा रही हूं और उसके बाद ठीक। ये पुस्तक है द क्रिएशन ऑफ सऊदी अरेबिया, जो मैंने दिया ना आर्टिफिशियल स्टेट एंड टेरर, तो ये आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट किया गया, नाम ही है द क्रिएशन ऑफ सऊदी अरेबिया, और ये ऑथर का नाम देख लीजिए आप, अल-इनाज़ी, और पब्लिशर ये है। एक दूसरा ये इराक पर है, क्या बढ़िया नाम है, व्हेन गॉड मेड हेल। तो कहते हैं ये अरबी लोगों की कहावत है कि गॉड ने हेल बनाया एंड ही वाज नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड, सो ही मेड इराक। और ये इराक क्या है, वही मेसोपोटामिया, वही फर्टाइल क्रेसेंट, जिसके दुनिया भर की गप्पे और कहानियां हैं अभी मैं बताऊंगी। ये है इसका सब टाइटल, ये है इसके ऑथर भी देख लीजिए, पब्लिशर भी देख लीजिए। अब मुझे इतना ही सहूर है दिखाने बिखाने का। तो ये मेरी अति प्रिय पुस्तक है, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, रॉबर्ट डी कैपलैन की, पहले दिखा चुकी हूँ, और ये इसके पब्लिशर है। तीन, अब ये सीक्वेंस में इंपॉर्टेंस के नहीं दिखा रही हूँ, जैसे लगाया उस तरह। एक ये पेंगुइन का है, राइटर कहीं यहाँ होंगे, दिख रहा है निकोलस विलहेम, यस हाँ, इसको छोड़ देती हूँ। ये देखिए, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग सेक्टरिज्म इन रिलेशन साउथ एशिया, आइडेंटिटी कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये ऑथर है और ये पब्लिशर है। इस पर हम अगले भाषण में बोलेंगे। पाइपलाइन जो ऑयल है, ये अल्लाह ताला का मेहर है, तेरी मेहरबानियां है, या कहर है इनके नाफरमानियों के लिए, कहरदानियां, नाफरमानियां, मेहरबानियां, कहरानियां है कि कहरानियां है, क्या है पता नहीं। इस पर तीसरे में बोलूंगी। और ये है, ये भी रॉबर्ट कैपलैन की है, देखिए, द रोमांस ऑफ एन अमेरिकन एलिट, अरबिस्ट, ये सब गप्पे रचते हैं बैठे ठाले अपने घरों में, जो इनके यहाँ घूमने जाते हैं ये तो अमेरिकन एलिटिस्ट की है। 1920s में एक लॉरेंस था, एक मिस, अभी नाम आएगा, एलिजाबेथ या कौन बेल थी, मनमानी मनमानी। ये ईरान पर एक किताब, कैसे ईरान बना, आर्मी एंड द क्रिएशन ऑफ द पहलवी स्टेट इन ईरान,
सब मनमानी आर्टिफिशियल स्टेट्स। एक ये भी काम की है, काम के तो सैकड़ों हैं, मुझे 10-5 ये मुझे बहुत पसंद है पुस्तक, ये अल्बर्ट हुरानी, इसने अपना बीच का एक नाम गायब कर रखा है। हाँ, ये किताब किसी को डिटेलिंग पढ़ना है क्यों गायब हो रहे हैं मियां लोग, तो कारण द ग्रेट वॉर फॉर सिविलाइजेशन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट, यही इजराइल, गले की फांसी, मिडिल ईस्ट का कॉन्क्वेस्ट होने जा रहा है। और ये रोने वाले सज्जन कौन है? रॉबर्ट फिस्क। ये रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, देखो वो क्या रहा है, अरे हो रहा है जो हो रहा है, अल्लाह ताला के आगे तेरा जोर चलेगा रॉबर्ट फिस्क। और ये मैंने दिखाया ही था द लूम ऑफ टाइम, रॉबर्ट डी कैप्लान, ये मैंने दिखाया ही था फॉल्ट लाइंस, और ये क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, क्या अमेरिकन खोपड़ी है, इसको कोई कहे डरता है भिड़ता है, वो भी सब ड्रामा होता है। तो चलिए आज का विषय, तो मैंने पिछला जो शुरू किया था समाप्ति की ओर, तो मैंने इस पुस्तक से पढ़ के सुनाया था कि साहब की इजराइल है, ये अरब लोगों का सिक्योरिटी संभालेगा, इंटेलिजेंस संभालेगा, इनका बैंकिंग संभालेगा, तो फिर बचा क्या भैया, सब तो सलट गया। तो ये झंझट क्या है, दोनों विषय जो आज है, इजराइल गले की फांसी और आर्टिफिशियल स्टेट एंड टेरर, जो मार काट के आपस में एक दूसरे को खत्म कर रहे। तो देखिए जी, अब हम बिना किताबों को पढ़े इन्हीं किताबों से मोटा माटी बोल रहे हैं। 20वीं शताब्दी के बिगनिंग में, यानी कि 1905, 10, 15, 18, 20, ये अरब देश वालों को तो कोई जानता ही नहीं, ये देश ही नहीं थे, न लेबनान था, न जॉर्डन था, न सीरिया था, न सऊदी अरेबिया था, न कुवैत था, न ये यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसको ट्रूसियल स्टेट यानी ट्रूस कर रहा है, कोई छोटा मोटा टाइप का संधि कर रहा है इंग्लैंड, तो इनका नाम है संधि वाले, ट्रूसियल स्टेट, अभी नेशन शब्द नहीं आया, दोनों ओमान नहीं थे, एमन नहीं था, ईरान भी नहीं था, अफगानिस्तान भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, टर्की भी नहीं था, एक कोई ओटोमन था। ओटोमन कौन थे? ये जो मिडिल ईस्ट से आए हुए नंदिनी की संतानें, तुरुस्क लोग थे। अब झंझट ये हुआ जिस पर हम अगली बार बोलने जा रहे हैं, दो झंझट हुए, एक हुआ अल्लाह ताला बिगड़ गए, और इन्होंने वहां के रेगिस्तान में जो ये तेल था, ऑयल था, पेट्रोल था, डीजल था, इसकी केरोसिन था, शुरुआत में तो केरोसिन था, इसका पता दे दिया बदमाश काफिरों को। कौन काफिर थे भाई? वहां जो था वो तेल तो जली रहा था, गैस के बारे में लोगों को पता ही था, बाकू में हमारी ज्वालामुखी का मंदिर था ही, हम ज्वालामुखी की पूजा कर ही रहे थे, किंतु जानकारी दे दिया इंग्लैंड वालों को, फ्रांस वालों को, रूस वालों को, अमेरिका वालों को, राम जाने किन किन काफिरों को, बदमाशों को तेल का पता दिया। और इतने से भी अल्लाह ताला तेल का छौंकन लगा के भी उनके मन को शांति नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, तेल में लाल मिर्च का तड़का दिया, और लाल मिर्च का तड़का है इजराइल। तो अब ये कथा दोनों 20वीं शताब्दी की, अब कथा क्या है थोड़ा तेजी से सुना रहे। ज्यू लोग तो सदा ही से थे भाई, ज्यू लोगों को अभी जो सदा से कहां थे, यूरोप में थे सदा से। यूरोप कितने का है, अपने सीरीज में हम लोगों ने देखा है, 2,500 साल का मामला है, 1800 का मामला है, 2700 का मामला है, यहाँ शुरू से जू है। और जब से वहां पर चर्च वाले आए हैं और एक
क्राइस्ट का फिक्सीशियस कैरेक्टर खड़ा किया और कहा कि जी अरे उस कहानी में भी उस क्राइस्ट जीजस नाम के क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन तो रोमन लोग करते हैं लेकिन डाल दिया इन लोगों ने उठा के ज्यूस के सर पे, तो ज्यूस को सताना, मारना, तंग करना, टॉर्चर करना ये तो 7वीं-8वीं शताब्दी से यूरोप में हो ही रहा है। रूस अस्तित्व में आता है इवान द टेरिबल 15वीं शताब्दी से, उसके पहले तो मंगोलों की हुकूमत है, मस्कावा नाम का नन्हा सा घने जंगलों में एक बसावट है, तो इनको मारना, काटना, लूटना, उड़ाना, इन पर तरह तरह के लीगल हार्डशिप्स डालना ये तो चल ही रहा था ना भाई। अचानक 20वीं शताब्दी में दो लोगों में कोई पैक्ट हो जाता है जिसको वो कौन सा पैक्ट कहते हैं भी बताते हैं। पैक्ट क्या होता है कि देखो भाई यहूदी लोगों इनकी संख्या जर्मनी में बहुत बड़ी संख्या है, आइंस्टाइन भी यहूदी है, कार्ल मार्क्स भी यहूदी है, फ्रायड भी यहूदी है, तो देखो भाई यहूदी लोगों तुम लोग हमको मदद करो, हमको किसको, इंग्लैंड को मदद करो, किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, कैसे मदद करो, मदद करो खोपड़ी से आइंस्टाइन, कार्ल मार्क्स, राइट फ्राइड तो हाँ तब तक आ चुका है या थोड़े बाद में आया है, और हमको पैसे से मदद करो, रोसे चाइल्ड कौन है, जू है जिसके 5 बेटे हैं जो यूरोप के 5 देशों में फाइनेंशियल सेंटर में बैठे हैं, तो हमको सब प्रकार से मदद करो तो हम तुमको तुम्हारा प्रॉमिस्ड होमलैंड देने का प्रॉमिस करते हैं। अब ये होमलैंड कहाँ है किसी को पता नहीं है, जू लोगों को भी नहीं पता है, वो कथा लंबी कभी आप सुनाएंगे हम आपको, एक का नाम पिकॉट है, एक का नाम क्या है अभी याद आएगा बताते हैं, किताब आज नहीं कंसल्ट कर रहे क्योंकि लंबी कथा है जल्दी जल्दी सुना रहे। तो कह रहे हैं जी कि जो इज़राइल है वहां आपका होमलैंड है, आप सबको ले जाकर हम वही बसा देंगे। अब ये होमलैंड कहाँ है, वही जहां मियां लोगों की बस्ती है, मियां लोगों के दुनिया भर के एथनिसिटी है, दुनिया भर के ट्राइब हैं, दुनिया भर की फिरका परिस्ती, हम तो दो ही का नाम ले रहे हैं, शिया सुन्नी दो और याद आ रहा है, अहमदिया बहाबी और बहुत सारे सूफी वूफी दुनिया भर के। तो कह रहे हैं जी जेरूसलम वही है, कौन कह रहे हैं, यूज के कट्टर शत्रु, यूज के कट्टर शत्रु कौन है, क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियंस कह रहे हैं तुमको हम तुम्हारा होमलैंड देंगे, तुमको हम ले जाकर वही बसा देने में सहायता करेंगे। अरे भाई तुम यहीं पर मार काट छोड़ दो, इतना इनके प्रति तुमको प्रेम उमड़ रहा है, तुम इनको इनकी सहायता के बदले में सहायता देना चाहते हो, यूरोप में मारकाट बंद कर दो। और 20वीं शताब्दी आ गई है भाई, 20वीं शताब्दी में तुम्हारे यहाँ पार्लियामेंट आ गई है, तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी आ गई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को बीते 100-150 साल हो चुका है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी आ गई है, किसके बाद, ट्रीटी ऑफ वीना 1811 के बाद, तो भाई तुम क्यों इनको मार काट के भगा रहे हो। तो कह रहे हैं जी ये हिटलर मार काट रहा है, हिटलर तो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आया है ना, और ये प्रॉमिस तो हो गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो तुम बोल दो कि जो जर्मनी में तुम्हारा मार काट हो रहा है तुम लोग आ जाओ हमारे यहाँ ही बस जाओ, वो अमेरिका तो खाली जगह है ही है, अमेरिका में बस जाओ, कैनेडा में भारत के सिख जा के बस रहे हैं, इनको तो ठंडे मुल्क की आदत है, नहीं ठंडे मुल्क में नहीं, तुमको होमलैंड में भेजेंगे गरम रेगिस्तान। अब इज़राइल का वहां जाना मतलब क्या, इन लोगों को इनके
इम्पोटेंसी की, नामर्दगी की याद दिलाना। अब ये कोई मेरा शब्द थोड़ी है, हम कोट नहीं कर रहे हैं, कहिएगा तो बाद में पेज नंबर वगैरह सब बता देंगे, वो पुस्तक मेरे हाथ में नहीं है। क्या मामला है, आप लोगों को याद होगा 1948 में, ये 1948 में पूरी कहानी नहीं बता रहे हैं, 5-7 इजराइल वालों ने, जो प्रमुख लोग हैं वहां के, उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया साहब ये जूइश नेशन स्टेट है। उसमें एक शक्ल मुझे याद है गोल्डा मायर, आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कीजिए जो डिक्लेरेशन है, 40, 45, 35, 50 के नीचे नीचे के 5-7 लड़के, एक ये लड़की डिक्लेयर करती है जूइश नेशन स्टेट। और इसके डिक्लेयर करते ही 5 उम्मा नक्शा, अगर आप लोग को ध्यान हो, मिस्र या जिसको इजिप्ट कहते हैं, जॉर्डन, लेबना, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इराक, 5 चढ़ाते हैं और कहते हैं कि इजरायलियों को, इजरायलियों को नहीं, ज्यूज को हम उठाते हैं और रेड सागर में डुबो देते हैं, झंझट खत्म। जो कुल 7 लाख है ये 1948 में, और 1948 में ये 7 लाख कब हुए हैं, 1860 के बाद। ये जो रूस है, जार वाला रूस है, उसमें इनको बहुत मारा काटा जा रहा है, तो ड्राइव टू जेरूसलम चलता है, तो यानी 40 और ये 40 साल 1860 के बाद और 48, 80-85 साल में कुल 7 लाख आकर यहाँ बस पाते हैं, कुछ थोड़े से पहले से यहाँ पर हैं। तो ये क्या कहते हैं, यानी मतलब इस पूरे क्षेत्र में इनकी उपस्थिति एक सुई के नोक बराबर इजराइल नामक देश में 7 लाख है, और ये कह रहे हैं हम उठा के तुमको डुबो देंगे। और होता क्या है, 7वें दिन, हाँ ये आपने नक्शा अच्छा दिखा दिया, 7वें दिन होता क्या है, 7वें दिन ये भोपू से, मैं इसी भाषा में बोलूंगी लाउड स्पीकर ने, भोपू से अपनी जीप से अनाउंस करते हैं भागो भागो भागो। और जो 7 लाख अरबी लोग उस क्षेत्र में रह रहे थे, जगह छोड़ के भाग गए। कौन भगाने वाला है, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इराक, 5। जब ये भगा दिए गए, भगा दी गई, खुद ही भाग गए, तो उसके बाद एक पैलेस्टीनियन नामक समस्या खड़ी हो गई। कहां पर खड़ी हो गई पैलेस्टीनियन नामक समस्या, अरब हार्टलैंड में। कितने भागे, 7 लाख, घर द्वार सब छोड़ के भाग गए। उसी घर द्वार में ये यहूदी लोग रहने लग गए। अब ये लोग भाग गए, इन 5ों ने मिल के भगाया, अभी ये रहस्य। अब इजराइल लोग, इजरायली लोग या जू लोग जो लड़े 7 लाख, तो 7 लाख में 3.5 लाख तो स्त्रियां होंगी, 1.5 लाख बच्चे होंगे, बाकी बुढ़े होंगे, यानी 1 लाख जवान लोग रहे होंगे। वो लड़े काहे से, न तोप था, न मिसाइल था, न रॉकेट था, जो घर में चाकू वाकू था, जो खेती के इक्विपमेंट थे, कुल्हाड़ी था, फरसा था, फावड़ा था, खुरपी था, हसुआ था, इससे इन लोगों ने लड़ाई की। किससे, जो वहां पर जमे हुए हैं पता नहीं कब से, और पैगंबर साहब के बाद तो सब मियां हो गए हैं, अल्लाह ताला भी इनकी सहायता करने आए, अल्लाह ताला ने उठा के इनको भगा दिया। और इन 7 लाख लोगों को इन लोगों ने मरने के लिए आज वाले गाजा पट्टी और कौन कौन सी पट्टी में छोड़ दिया। अरे ले जाके 7 लाख को अपने घर में बसा लेते, तुम तो कहते हो इस्लाम ब्रदरहुड का है, बिरादर हैं,
भाईचारे का है, समानता का है, तो जो तुम्हारे कारण घर छोड़ के भागे उनको तुम अपने यहां ले जाके रख लेते, जो नहीं रखा अब इस पर रहस्य है, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो पहली लड़ाई हुई कब, 1948 में, फिर दोबारा जहां तक मुझे याद है 67 में, और तिबारा फिर 73 में, तीन बार लड़ाई हुई है। तीनों लड़ाई में सारे मियां लोग मुंह की खाए, जो मुंह की खाए अल्लाह ताला ने इनको छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने क्यों इनको छोड़ दिया, ये सब मुनाफिक हो गए, ये सब बनावटी मुसलमान हो गए थे, ये सब फर्जी मोमिन हो गए थे। क्यों हो गए थे, ये सब के सब कन्वर्ट है। कहां के कन्वर्ट है, सनातन धर्म के कन्वर्ट है, न घर के हैं न घाट के हैं, इनका कन्वर्जन स्किन डीप है। ये शराब भी पीते हैं, ये अपने पुराने देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, कुरान की मनमानी व्याख्या करते हैं, दुनिया भर का कथा है वो अलग विषय हम लेंगे। तो अल्लाह ताला नाराज है, तीनों लड़ाइयों में इस पूरी तरह ये मुंह की खाए कि 73 के बाद जब इनकी एक बैठक होती है, शायद OIC की बैठक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज या ऐसा ही कोई नाम है, तो वहां चर्चा में इसराइल का नाम आता है। तो कोई एक हेड ऑफ स्टेट, अभी किताब से हम नहीं बोल रहे हैं, अपनी स्थिति से बोल रहे हैं, तो गुस्सा होके कहता है डोंट मेंशन, वो तो अपनी भाषा में बोला होगा, मैंने अंग्रेजी में पढ़ा है, इट मेक्स मी फील इम्पोर्टेंट, इट डज नॉट मेक हिम फील इम्पोर्टेंट, इट मेक्स ऑल ऑफ देम फील इम्पोर्टेंट। वो नन्हा सा इज़राइल, वो नन्ही सी यहूदी कौम, वो नन्हा से जू लोग सलाम है उनको, उनसे लोगों को सीखना चाहिए, जिनको डर लगता है, जो डरने के सुख में जीना चाहते हैं, जो कपकपाने के सन्निपात सुख में जीना चाहते हैं, अरे इन इज़राइलियों से सीखो। ये 7 लाख जो इकट्ठा हुए हैं, ये आपस में बात नहीं कर सकते, कारण जगह जगह से आए हैं, भाषा एक नहीं है, कस्टम एक नहीं है, इनके खाने पीने का ढंग एक नहीं है, इनका बिलीफ सिस्टम एक नहीं है। एकता की जो कथा बताते हैं वो अनपढ़ लोग बताते हैं या पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बताते हैं, अपने यहां तो अनपढ़ों की संख्या साइजेबल है, स्ट्रेटेजिस्ट तो मोदी जी जैसे गए हैं मुझे नहीं पता। तो 1973 के बाद क्या होता है, 1973 के बाद वो जो यासिर अराफात है वो भी इसराइल से हाथ मिलाता है। इस पूरे इस्लामिक दुनिया का जो सबसे बड़ा लीडर था इजिप्ट, इजिप्ट कहाँ है, अफ्रीका में है, अफ्रीका किस कोने से भाई अरब हो गया, ये उसको अरब कहते हैं। एक ही चीज है कि अरबी स्क्रिप्ट में लिखता है, अरबी भाषा तो है ही नहीं, अरबी तो एक लिपि है, वो अरबी स्क्रिप्ट में मिस्री भाषा को लिखता है, और मिस्री लोग तो सनातन धर्म के पुजारी है, पैगंबर साहब के बहुत पहले से बहुत विशाल सभ्यता है, लेकिन ये अरबी लोग या ये इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले, जर्मनी वाले, अमेरिका वाले, रूस वाले, मिस्र को तो अरब कहते हैं लेकिन टर्की को नहीं कहते, अफगानिस्तान को नहीं कहते हैं, पाकिस्तान को नहीं कहते हैं, ईरान को नहीं कहते हैं, डिवीजन डिवीजन और डिवीजन कैसे, पहला भाषण का टॉपिक एथनिक सेक्टेरियन एंड ट्राइबल डिवीजन। ये जो टर्की वाले हैं ये तुर्की हैं, हमारे कबीले के नहीं है, अफगानी ये पश्तो है, हजारा है, पता नहीं क्या क्या, हमारे कबीले के नहीं है, पाकिस्तानी कजाकिस्तानी उज्बेकिस्तानी तुर्कमेनिस्तानी ताजिकिस्तानी
मलेशिया वाले, इंडोनेशिया वाले, ट्यूनिशिया वाले हैं, मोरक्को वाले हैं। मोरक्को वाले किस कोने से अरबी हुए भैया? लंबे चौड़े तगड़े काले मूर जिन्होंने स्पेन पर कब्जा किया, यूरोप पर कब्जा अफ्रीका वालों ने किया, और 20वीं शताब्दी में यूरो अमेरिकन स्कॉलरशिप ने इसको अरबी इस्लामिक कब्जा बताकर यूरोप में इनके लिए भयंकर घृणा पैदा की। अब फिर लौट आते हैं इसराइल पर। इसराइल का क्रिएशन मानो कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इम्पोटेंसी की फीलिंग, और इस फीलिंग के चक्कर में ये 48 से कब तक, अब्राहम एकॉर्ड तक इससे लड़े मरे, आपस में लड़े मरे, और इस हद तक लड़े मरे कि इजराइल ही इन लोगों का सेना संभालेगा, इंटेलिजेंस संभालेगा, इनका बंदरगाह संभालेगा, इनका हवाई अड्डा संभालेगा, इनका बैंकिंग संभाल, यानी ये पूरा का पूरा क्षेत्र से हवा, हवाई, समाप्ति, सिमटना, मिटना, जो जिसको सूझे वो नाम रख ले। एक विषय। दूसरा विषय, आप लोगों ने G20 में सुना होगा कि यूरोप वाले कह रहे हैं, हमारे मोदी जी कह रहे हैं, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि साहब एक जो ये सी लेन है, सी लेन में नक्शे पर दिख, नक्शे पर क्या दिखाऊं, भारत से निकले, ये नीचे से होते हुए लाल सागर में घुसे, लाल सागर से स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरियन में घुसे, और मेडिटेरियन से घुस के यूरोप में घुसे। तो साहब ये सी जो है ये बहुत वल्नरेबल है, सो वी नीड वन मोर कनेक्टिविटी। तो जो अब ये क्या नया नाम है उसका, जो G20 में अनाउंस हुआ है, उसको बनाएंगे। तो कहा जी उसको बनाने में बाधा हो गया ये हमास वाला जो उत्पात हुआ गाजा में, ये उत्पात हुआ शी जिनपिंग का एक्सपोजर हुआ। आप लोगों ने सुना होगा कि सुरंगों में चीनी शक्लें नटुल्ली, छोटी छोटी गोल गोल मुंह वाली ये नटुल्ली शक्लें निकली, उसमें से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव निकले, और हमास वाले इतने गधे हैं कि उनको पता है हम 1200-1300 ज्यूस को पकड़ के ले जाएंगे, 2000 को मार देंगे, और वो इतने भद्दे, गंदे, घिनौने, बर्बर तरीके से मारेंगे। तो आपकी सारी जो इंटरनेशनल सिंपैथी है वो आपसे गायब हो जाएगी, सारी सिंपैथी जाके ज्यूज और इजराइल के पास चली जाएगी, और आपकी सफाया हो जाएगा, जो कि हमास के कारण पूरा गाजा पट्टी का सफाया हो रहा है। क्या कोई और तरीका था गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र से इनको सफा कर देने का? क्या कोई और तरीका था चाइनीज हैंड को एक्सपोज कर देने का? क्या कोई और तरीका था सारे ये जो नेटवर्क सुरंगों का बना था, इतने बड़े प्रिटेक्स्ट या इतने छोटे प्रिटेक्स्ट के बिना नष्ट कर देने का, और नष्ट करने के बाद एक ट्रेड के लिए एक सेफ चैनल चाहिए। इस सेफ चैनल में बंदरगाह भी होंगे, क्योंकि रास्ते में समुद्र है, जहाज जाएंगे, यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी भी चाहिए, रोड की भी कनेक्टिविटी चाहिए, गैस और तेल के पाइपलाइन की भी कनेक्टिविटी चाहिए। तो इस कनेक्टिविटी चाहिए तो रेडिकलिज्म नहीं चाहिए। रेडिकलिज्म मतलब इस्लामिक टेरर नहीं चाहिए। क्या चाहिए?
शांति और सुव्यवस्था, यानी आप लोग शांति से अपने मूल स्वभाव, मूल धर्म में, जो कि सनातन धर्म है, उसमें लौट जाइए। अभी क्या खबर आई हम लोगों के पास, मक्का में स्मृति ईरानी गई थी, मक्का में या मदीना, साड़ी पहन के गई थी, हिजाब बिना पहने गई, बिंदी लगा के गई। वहां रामायण पढ़ाया जाएगा, वहां महाभारत पढ़ाया जाएगा, क्यों, वही पढ़ाया जाता था कब, आज से 1400 साल पहले, केवल 1400 साल पहले नहीं, आज से 1000 साल पहले भी, आज से 600 साल पहले भी, क्यों, नॉट everyone had converted। आज भी इस क्षेत्र में सब तो मियां नहीं है, ये जो अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट में कहां पर वो विशाल मंदिर बना है, विशाल मंदिर क्यों बना है, ये जो कोस्टल एरिया है जिसको अरेबिया कहते हैं, अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, इसका जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया तो इम्पोरिया है इसका, गुजरातियों का, सिंधियों का, कच्छियों का, नीचे उतर आइए तो कोंकण वालों का, इम्पोरिया माने क्या, ये लोग जब माल लेके जाते हैं व्यापार करने के लिए तो वहां पर सामान रख देते हैं, वहां दुनिया भर के व्यापारी आते हैं, खरीदते हैं, फिर आता है जाता है। ये भारत के महान व्यापारियों सार्थवाहों का बस्ती है, कॉलोनी है, कब, अभी कल तक भाई, कि जब वास्को डी गामा आ रहा है, पोर्चुगीज आ रहे हैं, ब्रिटिश आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, इनके रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है ना भाई, वो किताबें वहां लगी हैं, लेकिन मैं निकाल के नहीं दिखा पा रही हूँ, दो एक नाम अभी मुझे चश्मे बिना दिख नहीं रहा है। तो ये तो सब रिकॉर्ड अभी 50-60-70-80 साल में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने छापा है ना भाई, इंडियन ओशन ट्रेड, हिंद महासागर के व्यापार पर 1000 किताबें होंगी, 101 मुझे पता है, 25-30 मैंने पढ़ा है। तो अगर वापस ट्रेड लिंक बनना है तो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, शांति होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का पालन होना चाहिए, आदर होना चाहिए, स्त्रियों को स्वाधीनता होना चाहिए। ये स्त्रियों की स्वाधीनता का मामला था जिसने यूरोप में चर्च के पैशाचिक तंत्र को तोड़ फोड़ डाला। अभी हम लोग क्या खबर पढ़ रहे हैं कि साहब बिना हिजाब के मोटर गाड़ी चढ़ाएंगे, अरे कोई पहली बार अभी चला रहे हैं, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 तक इस पूरे क्षेत्र में जो स्त्रियां हैं वो तो यूरोप की स्त्रियों को नंगेपन में मात कर रही हैं। फोटो निकाल के देखिए आप, जिनको ये शाही, किंग, क्वीन, आजकल क्या कहते हैं, क्राउन प्रिंस, अरे जिसको किंग और क्वीन बताया, किंग बनाया, वो कौन था भाई, मक्का के पुजारी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, पढ़ के नहीं बता रही, उसके दो बेटे, दोनों बेटों का नाम अभी पढ़ के बताती हूँ, एक मिनट उसका तो बताई दूं मैं, एक मिनट, हाँ, एक का नाम है फैजल और एक का नाम है अब्दुल्ला। फैजल कौन है और अब्दुल्ला कौन है, मक्का का जो पुजारी है उसको अंग्रेज सब बहुत पटाए, पटा नहीं ठीक से, तो लड़कों से कहे इसको गेट आउट करो, लड़कों ने घर से बाहर किया, शायद मक्का वक्का से भी बाहर करके उसको निष्कासित कर दिया, भगा दिया। तो उसके बदले में उसके दो बेटे हैं फैजल और अब्दुल्ला, इसको किंग बना दिया, कहाँ का,
इराक का, और उसके दूसरे भाई अब्दुल्ला को बना दिया ट्रांस जॉर्डन का। ट्रांस जॉर्डन का ट्रांस गायब हो गया, अब जॉर्डन बचा है। कैसे बनाया, पढ़ के सुना रही हूँ। दो लाइन, इसका कई जगह वर्णन है। ये ग्रेट रॉबर्ट फिस्क वाली पुस्तक के इंट्रोडक्शन के पेज 20 से ऑथर कहता है, आई वॉज 29 एंड आई वॉज बींग ऑफर्ड द मिडिल ईस्ट। पत्रकार है तो पत्रकार को बीट मिला कि जाओ मिडिल ईस्ट का देखो, तो कह रहा है आई वंडर्ड हाउ किंग फैजल फेल्ट व्हेन ही वॉज ऑफर्ड इराक। ही वॉज ऑफर्ड इराक, मक्का से जाओ इराक का राजा बन जाओ। काहे, इराक भी फर्जी है, आर्टिफिशियल, आर्बिट्ररी, देयरफॉर इलीगल नेशन स्टेट क्रिएटेड बाई काफिर इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर द सेक ऑफ टूरिज्म, पेट्रोल, तेल, और यही सी लेन साफ रहे। एंड और हाउ हिज ब्रदर अब्दुल्ला रिएक्टेड टू विंस्टन चर्चिल्स ऑफर ऑफ ट्रांस जॉर्डन। मैं कई बार टॉफी वॉफी ले आती हूँ तो बच्चों को कहती हूँ तुम कौन सा लोगे, एक बोलता है मैं ये वाला, दूसरा बोलता है मैं ये वाला। चर्चिल ने ये नहीं किया, चर्चिल ने कहा तुम ये टॉफी ले लो, तुम वो टॉफी ले लो। वो टॉफी नहीं था उनके लिए, तो साल भर का भोज था भाई। कारण मक्का के हैं, मक्का क्या है, एक नन्हा सा ओएसिस। 1920 तक हज करने कई प्राणी आते हैं, कुल कितनी आमदनी है, बाप को भगाने के लिए बेटों को रिश्वत दिया का 1920 में, किसके बेटों को, जो मक्का का जो भी उसका नाम होगा, हम तो पुजारी पुरोहित कह रहे हैं, ये भी इन दोनों शब्दों का अपमान है, का जो भी मुल्ला मौलवी होगा उसका पिता, उसका नाम शायद हुसैन था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये वाली किताब पढ़ेंगे आप लोग तो सारा इसमें डिटेल दिया हुआ इस कथा का जो मैं सुना रही हूँ आपको। तो ये जो किंग क्वीन बन रहे हैं ये कौन है, वहां के भूखमरे कंगाल लोग जिनको ये चीफ कह रहे हैं, किसी को खलीफा कह देते हैं। खलीफा ओटोमन वाले की कहानी अलग बताएंगे। नोबडीज, नोबडीज को किंग क्वीन, भाई इंग्लैंड फ्रांस वालों की तो मजबूरी थी, हमारे भारत के मीडिया वालों की कौन मजबूरी है भाई। दो चार किताब हम दिखा रहे हैं, यही पढ़ लो, इतना भी ना बांचा जाए तो चले जाओ गूगल पर वही देख लो। पैगंबर साहब किंग बने थे कि क्वीन ले आए थे, कि ताजपोशी हुई थी, क्राउन प्रिंस बोलते हो तुम लोग, क्राउन पहने थे। कुरान में अल्लाह ताला ने एक लफ्ज भी भेजा है क्या, किंग क्वीन क्राउन सिंहासन ताजपोशी? कुरान इज कॉन्सिपिकुअस बाय एब्सेंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट स्टेटहुड पॉलिटिकल डोमिनेशन। और सब क्या समझाते हैं कि इस्लाम पॉलिटिकल इस्लाम है, कुरान में है ही नहीं, ये लोगों की खोपड़ी का क्रिएशन है। एनीवे, जो 39 मिनट हो गया आदित्य जी, मैं तो चालू हो गई अनवरत लगातार, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कंटिन्यू करिए, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करिए क्योंकि दर्शकों को फिर कंटिन्यूटी नहीं। आपको 4 मिनट बोलिए तो मैं सांस ले लूं, 70 में सांस फूलती है थोड़ी। एक्चुअली इतना डिटेल, इतना इंटरेस्टिंग है एक्चुअली जो आप लोगों को पढ़ने का तरीका सिखा रहे हैं। इतिहास को जिन्होंने इतिहास रचा है उनके अनुसार देखना चाहिए, लेकिन मतलब जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है उसी अनुसार ही देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमको अपना अपना खुद का इतिहास देखना है तो हमको अपने लेखकों के द्वारा देखना पड़ेगा, की बुक्स, रामेश्वर जी की बुक्स, शैलेंद्र जी की बुक्स, मतलब और नीलेश शोक, हमको अपना इतिहास अपने तरीके से देखना पड़ेगा, दूसरों के तरीके से नहीं देखना पड़ेगा।
अगर यूरोप्स को यूरोपियंस को भी अगर हमारे विषय में जानना है तो हमारी पुस्तकें पढ़ के समझे, तो वो आप अच्छी तरह लोगों को समझा रही हैं। और मेरे को दर्शकों को यही बोलूंगा कि जो जो किताबें आज दिखाई गई हैं आप लोग उनको खरीद सकते हैं, भारत में सारी बुक्स अवेलेबल है और भारत से आप खरीद सकते हैं कहीं से भी, और आप स्वयं अपना अध्ययन करिए, क्योंकि हम लोग आपको इतना बताएंगे तो आपको लगेगा कि शायद वेरीफाई करना चाहिए, तो आप वेरीफाई भी करिए उसको और बढ़िया। और पढ़ने की अगर हिम्मत ना हो तो ये वीडियो सुन लीजिए, तो उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जब कहिएगा आदित्य जी के हाँ एक एक विषय पर अपने छोटे छोटे कोर्सेस कर लेंगे, करेक्ट, के इतिहास के बारे में 10-12 टॉक कर लेंगे जिनको रुचि हो, 10-20-25 लोगों को, फिर वो लोग लिखें, बिना जाने हवा हवाई होने से नहीं काम चलता है। तो मैं अपनी कथा पर आ जाऊं प्लीज, और अगर लोगों को चाहिए कहां पे वो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज, हमको इस ईमेल पे हमको लिख दें, तो देन वी विल पुट यू इन द कोर्स, और हम लोग आपको इसमें एक हमारे 5 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं अमेरिका में, ट्रांसेंडिंग द माइंड एक्सपीरियंस, ट्रांसेंडिंग द माइंड मैनेजमेंट एक कॉर्पोरेट कोर्स है, प्लस डीबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स, योगा सूत्र कोर्स, और 5वां कोर्स यूरोपियन इतिहास, इस पे भी आप इन 5 कोर्सेज हम जुड़ सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। मेरी स्पीड एकदम दुरंतो वाली रहती है, कारण इतना सारा मसाला, इतना सारा, उसको 1 घंटे में जल्दी से बता देना है। तो एक तरफ 1920 के आसपास वो साइमन पिकॉट पाइकॉट क्या नाम है, वो दोनों करते हैं कुछ ट्रीटी इजराइल को बनाने के लिए, उसी समय दूसरा काम ये जो करते हैं आर्बिट्रेरी आर्टिफिशियल इलीगल नेशन स्टेट्स खड़ा कर, खुद इसके बारे में क्या लिखते हैं, ईरान ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, अब वेग ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, फिर सीरिया जॉर्डन लेबनान कुवैत ओमान, इन सबको कहते हैं नॉट इवन वेग ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, आर्टिफिशियल नेशन स्टेट। अरे भैया तुम ही बना रहे हो और तुम ही आर्टिफिशियल कह रहे हो, वेग कह रहे हो, कह रहे हो यहाँ कोई पॉलिटी नहीं है, काहे बना रहे हो भाई। बनाने के 3-4 कारण है, तेल का कुआं है, 2 मैं ले लूं 2 फ्रांस तू ले ले, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये 1920 से 30-32 के बीच में हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड और फ्रांस कंगाली की हालत में आ जाते हैं, जर्मनी इनकी चूट कूट के चटनी ले बना देता है, तो इंग्लैंड का जगह ले लेता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इधर स्टालिन वाला सोवियत रूस भी आ जाता है। तो तेल का कुआं बांट ले, और दूसरा एक काम और करें, एक काम क्या करें, जो मैंने कहा कुर्द एक एथनेसिटी है, कैसी एथनेसिटी है, ये दजला फरात जो नदियां हैं, दजला फरात क्या है, इसको टिग्रिस और यूफ्रेटिस कहते हैं, यूफ्रेटस और टिग्रिस अंग्रेजी में कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं वो बताएंगे अपने आदित्य की। ये 2 नदियां जिन पहाड़ों से निकलती हैं, वहां कुर्द नाम के एथनेसिटी क्या बला है, लोग रहते हैं, उनको बांट दिया 4 देश को। इसी प्रकार एक नेशन जिसको अंग्रेजी में ये नेशन कहते हैं, एक नेशन को बांटा 4 स्टेट में, एक स्टेट में लाए 4 नेशन, और कई बार एक स्टेट में 4 नेशन, और कई बार एक नेशन में 4 स्टेट, जैसे भारतवर्ष में पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान, 3 तो सबको रटा हुआ है, 5 और हैं, ऊपर वाले 5 स्थान और भी बहुत है, सिक्किम भी है, तिब्बत भी है, बर्मा भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, ए वन नेशन मेनी स्टेट। और यहाँ इन लोगों ने क्या किया, वन स्टेट मेनी नेशन, तो मेनी नेशन मतलब मार मार मार
काट काट काट, रेप कर, लूट, आगजनी कर, हाथ काट दे, दबा के मार दे। ये इराक इराक वालों ने ईरान वालों पर मस्टर्ड गैस छोड़ा। ये जो अपना सद्दाम हुसैन है, इसने इराक के रहने वाले मियां लोगों को कितने तरह के गैस छोड़ के बम्बार्ड करके मारा। एक कमरे में बंद कर दिया, उसमें पानी भर दिया, पानी में करंट डाल के मारा। वो टॉर्चर की गजब कहानी है। इतनी किताबें दिखाए हैं हम आपको, भरी हुई है आप लोगों के पास। इससे भी अच्छी पुस्तक मिल सकती है, चाहे तो कमेंट में डाल। तो ये जो इन लोगों ने आर्टिफिशियल नेशन स्टेट बनाया, यानी एक स्टेट में मेनी नेशन, और रूलर कौन है? रूलर इनवेरेबली माइनॉरिटी का। अब उस बेचारे को मेजॉरिटी को कंट्रोल में करने का कौन उपाय है कूटने और चटनी बनाने के अलावा? इसके अलावा दूसरा काम इन सबों ने क्या किया? किन सबों ने? काफिर ब्रिटेन ने, काफिर फ्रांस ने, काफिर अमेरिका ने। अब ये जो हेड बनाए, ये सारे हेड एक टाइप के बनाते थे। जैसे यूरोप में है, जर्मनी, जर्मन स्टॉक का हेड रूस में भी है, इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी है। रूस में रूसी राजा नहीं है, इंग्लैंड में अंग्रेज राजा नहीं है, फ्रांस में फ्रांस राजा नहीं। अब ये कथा हम आपको यूरोप के सीरीज में सुनाए, यहाँ भी कर देता। यहाँ ठीक उल्टा किया, यहाँ जो जो बना और जिसको जिसको उभरने में मदद किया, यहाँ न तो राजा है न रानी है। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया, एक ये जो क्रिएशन ऑफ अरेबिया वाला मामला, यहाँ वो नजद का सऊद को पकड़ के लाए थे, और एक जो मैंने आपको दिखाया शायद इराक वाला, ईरान वाला, वहां भी वो जो शाह रजा पहलवी था, वो फौज का कोई कर्नल वर्नल था। तो ये अमेरिकन एजेंट्स, ये इंग्लिश एजेंट्स, ये रशियन एजेंट किसको उभारते हैं, किसको मारते हैं? उनको उभारते और मारते हैं जो आपस में एक दूसरे का गला काटते। तो सार ये है कि आर्टिफिशियल नेशन में माइनॉरिटी शासक को टेरर का वो भयंकर नग्न नाच करना पड़ता है। और ये जगदम्बा कराला काली नहीं है जो दुष्टों का रक्त पी रही है खप्पर में डाल। ये ससुरे सब एक दूसरे को खुद ही मार काट के, ये कुल जो बिरादराना उम्मा टुम्मा, ये भारत के हिंदुओं को सूझता है और कम्युनिस्टों को सूझता है और यूरोप के सेकुलरिस्टों को सूझता है। ये कम्युनिस्ट तो जिस पर हाथ धर दे उसका नाश होना तय। एक उदाहरण अपने अयोध्या जी वाला मामला, राम जन्मभूमि वाला मामला, 90 में मामला सलट रहा था। एक कम्युनिस्ट रोमिला था, पर इरफान हबीब और कौन 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 सब जाके कूद गए, मियां लोग के कंधे पर हाथ धर दिया, ना ना दे मत देना। हुआ क्या? हमारे लिए तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन मियां लोग की दृष्टि से ऐसा मुकदमे का फैसला आया, अयोध्या भी गया, काशी भी गया, मथुरा भी हाथ से गया, ताजमहल भी जा रहा है। कोई 2000 बता रहा है, कोई 20000 बता रहा है, कोई 30000 बता रहा है, कोई 1,00,000 बता रहा है, सब जाएगा। उसी प्रकार कम्युनिस्टों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मियां लोगों के कंधे पर हाथ रखा, इनका सिर सहलाया, इनका पीठ सहलाया, चढ़ जा बच्चा सूली पर।
कौन कौन, तो तीन दिखा दें हम आपको। कहा एक ये सेकुलरिस्ट कम्युनिस्ट रो रहे हैं, एक जो मेरी प्रिय लेखिका है कैरेन आर्मस्ट्रांग, अरे बाबा रे, ये जो मियां लोगों के लिए रुदन करती है इनके पक्ष में लेखन करती है, होता क्या। और एक और ये सब भी, एक और दिखा रही है, ये सब भी कौन, अमेरिकन क्या लिखा है, द रोमांस ऑफ एन अमेरिकन एलीट। इससे होता क्या है, मियां लोग को अपनी असलियत पता नहीं, ये सब सूली पर चढ़ा रहे हैं, चल जा बच्चे, चढ़ जा बच्चा चने की झाड़ पर, झाड़ पर बेचारा चढ़ जा रहा है, झाड़ पर चढ़ने का मतलब क्या हुआ, धड़ से नीचे, किसके नीचे, इजराइल के नीचे, कभी अमेरिका के नीचे, कभी सद्दाम के नीचे, कभी आयतुल्ला खुमैनी के नीचे, और पता नहीं इन सबों का बहुत सा नाम है, सब हवा में चढ़ चढ़ के उतर जा रहे हैं। जैसे एक 51 मिनट हो गया, मैं लोभ नहीं संवरण कर पा रही हूँ, 5 मिनट का समय और, क्या ये कहते हैं जी कोई फर्टाइल क्रेसेंट है, कोई गार्डन ऑफ एडेन है, जन्नत है, पूरे हैं, शराब की नदियां बह रही हैं, अंगूर लटक रहे हैं, और ये है कहाँ जी, ये दजला फरात नदी वाला जगह, और ये दजला फरात नदी वाला जगह कौन सा है, जिसको इराक कहते हैं, इराक जहां अभी 93 में अमेरिका चढ़ाया और 1920 में भारत से सेनाएं गई थी, कहा गया था ब्रिटिश फोर्सेस गई, ये जगह क्या है, ये जगह वो है गॉड अल्लाह ताला ने बनाया नरक, बना के उनको संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने बना दिया इराक, और ये बाइबल का गार्डन ऑफ इडेन है। वो कई लेखक लिखते हैं कि हम लोग जब संडे स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उस जन्नत के बारे में, अरे पढ़ते तो थे लेकिन तुम्हारे बाबूजी ने तुमको बताया नहीं ना कि जन्नत है कहाँ, तुम ना सोच लिए कि वो जन्नत वहां है, और उसी के आधार पर तुमने इतिहास में किताब लिख दिया, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का क्षेत्र, बेबोलेनिया बेबीलोनिया और थोड़ा उसके ऊपर नीचे का क्षेत्र, सुमेर और ऊपर नीचे का क्षेत्र तुमने लिख दिया, लेकिन जब वहां गए तो तुमको क्या मिला। थोड़ा सा मेरा मन है जल्दी जल्दी पढ़ के सुना रही हूँ इस पुस्तक से, 1920 में जब भारत से सो कॉल्ड ब्रिटिश फौज गए तो ब्रिटिशर्स ने जो वर्णन किया, थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। ये मैं पढ़ रही हूँ पेज संख्या 7 से, 7 के ये बीच से मैं पढ़ रही हूँ, यहां से मैं पढ़ रही हूँ। द लैंड वॉज, पहले का रेफरेंस सब छोड़ रही हूँ, द लैंड वॉज नाउ अल्टरनेटली अ डेजर्ट एंड अ स्वाम्प, रेगिस्तान भी है दलदल भी है, a vast flat plain lying below the level of the great rivers Dajla Farat, नदियों के नीचे जमीन है, हरदम नदियां नीचे होती हैं, बगल का क्षेत्र ऊंचा होता है, यहाँ नदियां ऊंची है जमीन नीची है तो होता क्या है, a vast flat plain lying below the level of the great rivers and regularly inundated as the embankments that contained them were ruptured by the spring floods of meltwater from the northern mountain. अच्छी बात है, पानी बह के आ गया, बाढ़ आ गया, अच्छी बात नहीं है,
between the awesome mountains of Kurdistan in the north and the Gulf Coast in the south, the plain hardly varied 100 feet in height. Samtal hai, 100 feet ka samtal. Achhi baat hai, nahi achhi baat nahi. When it flooded, nadi ka pani aaya to baadh aaya. Bharat ke baadh se tulna mat kijiyega. When it flooded, swamps formed in low-lying areas far from the river and could move around visibly in high winds. In the heat of summer, the friable soil turned from mud to dust. Teacher say, dust matlab, dhul bana, Bharat wala dhul nahi hai. And could be so hard that even the detonation of artillery shells hardly scratched. Ye khas jannat ka dhul hai. From May to September, the average daytime temperature in Baghdad ranged from 110 to 120 degree Fahrenheit. Kab se? Jab se Allah Taala ne banaya hai. Jab se tumhare God ne banaya hai. Wahan jannat nahi tha babu. Wahan angur bhi nahi hai. Wahan sharaf ki nadi bhi nahi hai. Wahan hoor bhi nahi hai babu. Paralyzing humidity was accompanied by sandstorm. Paralyzing humidity bhi hai. Mumbai se Mumbai mein to mauj karte. Paralyzing. Saath mein sandstorm, yani ret ka aandhi bhi hai. And locust plagues with flies in stupendous numbers. Cholera was endemic and typhus often broke out, along with less deadly but debilitating conditions like sand fly fever. Jannat hai ki dojak hai. It had become in western eyes one of the most repellent parts of the whole world, a white man's graveyard. Robert Byron, crossing the land 20 years later, yani 1940 mein, on his road to Oxiana, evoked his character pugnantly, Mesopotamia, kya wahi jannat, has remained, kiska jannat, kiska heaven, God created Adam, heaven, Eve, अंग्रेजों का यूरोपियंस का हेवन मेसोपोटामिया हैज रिमेन्ड अ लैंड ऑफ मड डिप्राइड ऑफ मड्स ओनली पॉसिबल एडवांटेज वेजिटेबल फर्टिलिटी मिट्टी तो है लेकिन इसमें फर्टिलिटी नहीं है इट इज अ मड प्लेन सो फ्लैट दैट अ सिंगल हेरोन reposing on one leg beside some rare trickle of water in a ditch looks as tall as a wireless aerial. From this plain rise villages of mud and cities of mud. Kahani kya hai Baghdad ki? Kya bata raha hai? Bahut lamba thoda sa pad raha hai. The rivers flows with liquid mud. The air is composed of mud refined in a gas. Mud refined in a gas. ये इसी जन्नत में ये इसी दोजख में संभव है. The people are mud colored. हूर नहीं है. They wear mud colored clothes and their national hat is nothing more than a formalized mud pipe. Baghdad lurks in a mud fog, and when the temperature drops below 110, the people complain of the chill and get out their purse. Bas, itna par rok rahi hoon. Ye hai jannat. To Islam ke vishay mein, is kshetr ke geographical condition ke vishay mein, European logon ko Bible se
चर्च के संडे स्कूल में तरह तरह की मिथिक कल्पनाएं पढ़ी गईं। उन मिथिक कल्पनाओं को उन्होंने फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री की तरह लिखा, उससे रोमांस उनका रहा। अरब ये अमेरिका वाले कौन है? ये अमेरिका वाले हैं, यूरोप वाले लोग हैं, तो ये रोमांस है। इंग्लैंड वालों का रोमांस है, तो जर्मन वालों का रोमांस है। रोमांस करके क्या करोगे? वो जो तुम्हारी लैला है वो काली है, लैला सुंदरी नहीं है। तो जीवन कल्पना से नहीं चलता। इस नारकीय क्षेत्र में समृद्ध मानवीय जीवन बहुत मुश्किल से कभी कभी हुआ। वो लाने वाले कौन थे? कभी कभी सनातन, जिनको समृद्धि और ऐश्वर्य की साधना करना आता है। एक्चुअली आपने जो बताया है सबको, एंड बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि अब जो हम लोग देख रहे हैं कि जो सोचने समझने वाले लोग हैं, इस्लामिक जो इनका गढ़ है सऊदी अरेबिया, वहां के लोग इस बात को पहचानना शुरू कर दिया उन्होंने, और एक ही दिन में स्त्रियों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है ताकि भारत के लोग वहां पे इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि अमेरिका से उनका पैसा ड्राई हो गया है। सो मनी इज फोर्सिंग देम टू टर्न टुवर्ड्स सनातन, मनी की वजह से, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो गरीबी छा जाएगी। यहां से सनातन धर्म एक दिन के लिए भी विलुप्त नहीं हुआ, एक दिन के लिए भी। इस पूरे क्षेत्र में लगातार पिछले 1400 साल में देवी देवताओं की पूजा होती रही। यजीदी लोग क्या कर रहे हैं? करेक्ट। कुर्द लोग क्या कर रहे हैं? शिया सब क्या कर रहे हैं? इस सूफी सब क्या कर रहे हैं? केवल ऊपर स्किन डीप मियां लोग हैं, इसीलिए अल्लाह ताला नाराज हो गए। जा मर, जब तुझे महादेव की पूजा करनी है तो मेरे से क्या लेना देना। यहां पर जो ये कट्टरता है, ये 1990 के बाद है, या 1979 के बाद है, या 1973 के बाद है। इजराइल फीलिंग इम्पोर्टेंट, तेल का दाम तिगुना या चौगुना किया 73 में, भयंकर यूरोप में उपद्रव मचा तेल के दाम के बढ़ने से, तो पेट्रोडॉलर में पैसा खींचा। 79 में रूस आया अफगानिस्तान, ये लोग को अमेरिका ने लगाया क्या बना के, वो क्या बोलते हैं, क्या नाम है उन लोग का अफगानिस्तान में, जिसको चेला कहते हैं, मतलब कट्टरता इनमें लाई। उसी के बाद कायदा अलकायदा आया, अलकायदा के बाद आईसिस आया, उसके पहले मुस्लिम ब्रदरहुड आया। ये थोड़े लोग हैं, इनको यूरोप अमेरिका विशाल पब्लिसिटी देता है। यहां पर जो सनातन का एलिमेंट है, यूरोप अमेरिका के काम का नहीं है। अब काम का हो गया तो कह रहा है देखो देखो छूट दे दिया, देखो देखो क्या कर दिया, सारे मियां कुल मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, नए नए मुल्ला सब संगीत कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं। यूरोपियन एजेंडा बेस्ड प्रोपोगंडा। सनातन सनातन है, ये मिटता नहीं है, इस पर तमस की छाया आती है, यहां से मिटा नहीं है। ये महादेव की भूमि है, ये अल्लात अल उजा अल मनत की भूमि है, ये शम्स भगवान सूर्य की भूमि है, अल शम्स श्री सूर्य की भूमि है, और वो सब हैं। घरों में पीछे की तरफ दुर्गा जी की पूजा होती है, कितने लोगों ने रिकॉर्ड किया है। ईरान
ने कभी अपनी भाषा अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। ईरान कौन, ईरान नाम क्या है, आर्याना। इंग्लैंड ने डंडा मार के ए को आई करवाया। इट वॉज देयर, इट वॉज ऑलवेज देयर, इट इज री एमर्जिंग नाउ। यूरो अमेरिका इज फोकसिंग ऑन दैट। एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, लोगों को ध्यान से रखना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बोला, जो ईरान जो, तो मतलब आपके पूरे लेक्चर से मुझे एक चीज मुझे याद आ गई, केवल एक चीज। इनका जो सबसे बड़का सुल्तान है हारुल रशीद, यही है ना पंकज जी, हारुल रशीद ने 9वीं शताब्दी में ये सब कर क्या रहे हैं, भारत से पंडितों को बुला रहे हैं बगदाद में, भारत से विद्वानों को बुला रहे हैं बगदाद में, और बुला के कर क्या रहे, अनुवाद करो जी काहे का, महाभारत का काहे तू कर रहा है भाई, रामायण का, पंचतंत्र का, जातक कथाओं का, आयुर्वेद का, काहे तू अनुवाद कर रहा है। 9th century वो जो अलबरूनी आया है भारत, 11th century का करने आया है, आप ही का विष्णु पुराण, धर्मोत्तर विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुण पुराण को ओरिजिनल संस्कृत में समझने के लिए। इट वॉज ऑलवेज देयर एविडेंस, देयर ओन राइटिंग, देयर ओन ट्रांसलेशन, दे आर वेलकमिंग। ये जो अकबर है ये सूर्य की पूजा कर रहा है, ये जो औरंगजेब है बनारस पे पता नहीं कितने मंदिरों को दान दे रहा है, टीपू सुल्तान जो सबसे लफंगा किस्म का इनका सुल्तान है, इन नंगे पांव मंदिर जा रहा है अपने जीत के जश्न के लिए। सनातन जगदम्बा का, ब्रह्म का, चिदंश सबके अंदर सदैव उपस्थित है, केवल तमस है क्योंकि हरि भजन नहीं। सो दिस वी सनातनी हु आर कॉन्स्टेंटली प्रैक्टाइजिंग इट, वी शुड रिमेंबर इट वॉज नेवर नेवर एंड नेवर आउट ऑफ अरब भूमि और मिडिल ईस्ट। सनातन वॉज देयर इज देयर। बिल्कुल सही बोला आपने, और वो तो हम लोग बहुत सारे प्रूफ से भी देख रहे हैं, धीरे धीरे वो सब बाहर भी आ रहे हैं। इनफैक्ट जो मैंने जगह बताई थी जहां पे हमको लगा द्रुमकुल जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, उस जगह की पूजा आज भी हो रही है, टिग्रिस नदी के त्रिकोण पे आज भी हो रही है इस जगह की पूजा, है ना। वहां पे उनकी लोकल कहानी, सीरिया का नाम जो है अल शाम है वहां के लोगों के हिसाब से, अल श्याम, श्याम उत्तरी दिशा में है और श्याम पश्चिमी दिशा में, और वहां के जो राजा को बोला जाता है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, दुनिया पृथ्वी का सबसे सुंदर व्यक्ति। अब उसको महाभारत से कनेक्ट करें तो नकुल के बारे में बात होती है कि पृथ्वी का सबसे सुंदर मानव कभी भी जीवित रहा है महाभारत काल में, वो नकुल था। तो अब उसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया है मेसोपोटामियन फोकलोर में, कि मेसोपोटामिया की फोकलोर है वो, या सुमेरिया की फोकलोर है, लेकिन ये नहीं बताते वो कहां से आया है। वो बोलते हैं पूर्वी दिशा से आया है, उनकी पुस्तकें बोलती हैं, तो वो बोलती पूर्वी दिशा से है, तो मतलब भारत ही हुआ वहां पे, क्योंकि वो कहानी वहीं पे आके समाप्त होती है। थैंक यू सो मच टुडे फॉर शेयरिंग, और दर्शकों को इसका पिछला वाला सीरीज भी देखना चाहिए और ये वाला सीरीज भी देखना चाहिए, और फिर आप आने वाला भी, आने वाला भी, अभी तो 4-5 वीडियोस होने वाले हैं, ये भी 1-8 लाख चला जाएगा 2 दिन में। लेकिन सुनिए मेरे प्रिय सुनने वालों, कृपा करके लाइक दबा दीजिए, आदित्य जी नहीं कहते हैं, और कृपा करके जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे पता नहीं यूट्यूब वालों का क्या चक्कर है, वो इसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं। आपके घर से कुछ नहीं जाता है, आपको लाइक का बटन दबाना है और आपको सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को प्रेरणा देना है, ये मेरा निवेदन है, सिखाने के नाम का फीस ही मान लीजिए। थैंक यू सो मच कृष्ण जी, और जैसा उन्होंने बोला आप ऐसा करिए,
और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सतोलॉजी के पुराने वीडियोस भी पहुंचाइए। और कुसुम लता जी का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो है सीक्वेंस के अनुसार वो प्रमोट करता है, हमारा जो टैग लाइन के हिसाब से नहीं करता, थंबनेल के थ्रू नहीं करता, वो सीक्वेंस में प्रमोट करता है। तो आपको सीक्वेंस जाके आप देखेंगे बहुत ज्ञान मिलेगा, 60 से ज्यादा वीडियोस हैं आपको कुसुम लता जी के, सिर्फ वो आप जाके देख सकते हैं और उस पे हम लोगों को बताइए आपका फीडबैक। तब तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ और सबको प्रणाम। प्रणाम।